आज मैं जो लोग बाबा रामदेव जी पर सवाल कर रहे हैं और उनको उल्टा बोल रहे हैं, इस तरह के लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें लेकर आया हूँ। और उनको ये चंद लाइनें बहुत दिमाग लगाकर सोच समझकर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पतन करने में लगे हुए हैं। और उन्हीं का साथ ही हमारे जो बहके हुए लोग हैं, जिनको सिर्फ राजनीति दिखाई देती है, वो राजनीति के लिए अपना देश भी बेचने को तैयार रहते हैं। जैसा कि पहले के लोग आप देख चुके हैं, मीर जाफर, जयचंद जैसे लोगों को आप जानते ही हैं। तो आखिर उन्हीं लोगों के काम आज के कुछ चंद लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाओ तो हमारी संस्कृति बच सकती है। और जो जो लोग हमारी संस्कृति को व्यवस्थित रूप से यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, पुनः जीवित कर रहे हैं, और तुम उन्हीं लोगों के लिए इस तरह के सवालबाजी करते हो, उनको गलत बोलते हो, ये कहाँ की संस्कार हैं तुम्हारे? आखिर तुम आए कहाँ से हो? क्या तुम भारतीय हो? लेकिन लगते नहीं हो, जैसा तुम बोलते हो वैसे हमें भारतीय नहीं लगते। आखिर आपको अपनी भाषा पर लगाम देना होगा। जिस तरह से आपने बाबा रामदेव जी का अपमान किया है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और जिन डॉक्टरों ने इस तरह से बाबा रामदेव जी पर, जिस तरह से उन्होंने सवाल किए थे, उनका अपमान किया था, शायद ये भूल गए हैं कि वो हमारे पूर्वज के समान हैं। क्योंकि अगर भारतीय हैं तो आपके पूर्वज के समान हैं वो, और आप इस तरह के सवाल उनसे कर रहे थे, इस तरह से आप उनको धमका रहे थे, ताकि आप अपने पिताजी को धमकाते होंगे। वो आपके पिता के समान हैं और आप किस तरह की बदसलूकी से उनके सामने बात कर रहे थे, सोचो। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं कुछ चंद लाइनें लेकर आया हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने कहीं मिस मत करना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि जो लाइनें हैं वो बेहद समझने के लायक है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डीसीपी स्वदेशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आयुर्वेद से नाता जोड़ो, आयुर्वेद से नाता जोड़ो क्योंकि यही पुराना है। आयुर्वेद से नाता जोड़ो क्योंकि यही पुराना है। और एलोपैथी आया बाद में, एलोपैथी आया बाद में क्योंकि यहीं से धन कमाना है, क्योंकि यहीं से धन कमाना है। जिसने आयुर्वेद शिक्षा को नष्ट किया, जिसने आयुर्वेद शिक्षा को नष्ट किया वही अंग्रेज तुम्हारा है। जिसने आयुर्वेदी शिक्षा को नष्ट किया वही अंग्रेज तुम्हारा है। क्या अंग्रेजों से पहले भारत में उपचार नहीं? क्या अंग्रेजों से पहले भारत में उपचार नहीं? और सुन लो, गौर से सुन लो मेरी बात को, गौर से सुन लो मेरी बात को, भारत में था उपचार सही। गौर से सुन लो मेरी बात को, भारत में था उपचार सही। अंग्रेजों ने गुरुकुलों के आचार्यों को मारा था, अंग्रेजों ने गुरुकुलों के आचार्यों को मारा था। आयुर्वेद से नाता जोड़ो क्योंकि यही हमारा था, क्योंकि यही हमारा था। तुमने मिलकर भारत को लूटने का प्रयत्न किया, तुमने मिलकर लूटा भारत को, अब भारत मोहताज नहीं। तुमने मिलकर लूटा भारत को, अब भारत मोहताज नहीं। हम सब बाबा जी के साथ खड़े हैं, हम सब बाबा जी के साथ खड़े हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई मोदी योगी रामदेव जी पे, मोदी योगी रामदेव जी पे भगवा वस्त्र हमारा है। हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे क्योंकि आयुर्वेद हमारा है, क्योंकि आयुर्वेद हमारा है। सुनो बाबा को धमकी देने वालों, एक बात पुरानी है। सुनो बाबा को धमकी देने वालों, एक बात पुरानी है। जब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में
जब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में होती बात हमारी है, जब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में होती बात हमारी है, तब सांसद कर्नल कूट ने, तब सांसद कर्नल कूट ने अपनी बात बखानी है, तब सांसद कर्नल कूट ने अपनी बात बखानी है। कहता नाक कटी भारत में, कहता मेरी नाक कटी भारत में, रहते वहाँ चमत्कारी हैं, रहते वहाँ चमत्कारी हैं। मेरी नाक को जैसे का तैसा, मेरी नाक को जैसे का तैसा, जोड़ने वाले गुरुकुल वासी हैं, जोड़ने वाले गुरुकुल वासी हैं। अब तुम समझो मेरी बात को, अब समझो तुम मेरी बात को, क्योंकि अंग्रेजों का मत है ये। अब तुम समझो मेरी बात को, क्योंकि अंग्रेजों का मत है ये, कि ये भारतीय संस्कृति सभ्यता को हटाना है और अंग्रेजियत को फैलाना ही उनका संकल्प है। वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और वो मेरे हिसाब से पतन भी हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं साथियों कि आज के समय में जो हमारी संस्कृति सभ्यता को स्थापित कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, हमको डटकर उनका साथ देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये संभव है कि हम अपनी जो संस्कृति सभ्यता है उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, अगर हम बाबा रामदेव जी का फुल समर्थन करें, उनको मिलकर साथ दें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा जो पहले का सिस्टम था, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे गुरुकुल थे, उन सभी गुरुकुलों का नाश अंग्रेजों ने किया है, और हमारे जो गुरुकुल के आचार्य थे उनको मारा गया, काटा गया, उनकी गर्दनें काटी गई, उनके हाथ काट दिए गए, ये सारे कुछ अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया था। और वो शिक्षा पद्धति आज होती तो हम गुलाम नहीं होते किसी के, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इतिहास एक बार अंग्रेजों का इतिहास खोल कर देखेंगे। जो हमको पढ़ाया जाता है कि अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे, उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? आखिर क्यों हमको अकबर पढ़ाया जाता है? क्या हम यहाँ का अकबर वासी था? जो हमको पढ़ाना चाहिए वो हमको नहीं पढ़ाया गया, और यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पतन का कारण रहा। आगे से साथियों ध्यान रखो, हमारी संस्कृति व्यवस्था को जो बना रहे हैं, हमें खुलकर उनका समर्थन देना चाहिए। परम पूज्य योग गुरु बाबा रामदेव जी का खुलकर समर्थन दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।